गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑनलाइन क्लासेस इन न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। मैं ईवीएस टीचर, जैसे आपको पहले लेक्चर आपको ईवीएस पढ़ानी हूँ क्लास थर्ड की। पहला लेक्चर बनाया था चैप्टर फर्स्ट का अपना, उसमें मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में ट्री के ऊपर कौन से एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स किन्हें कहते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनके उनकी क्या विशेषता, उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, वो मैंने सब आपको समझाया। उसका कुछ पार्ट है बेटा वो अपना रह गया था रीड करने के लिए, तो वो मैं बताऊंगी। और मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी जो पूरे एनिमल्स के ऊपर थी, जैसे एनिमल्स की होती है ना, वो मैंने आपको टेबल बनवाई थी कि किस किस टाइप के एनिमल्स हैं। तो आप ऐसी टेबल ब्लैक बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर मैंने आपको इस बोर्ड पर बनवाई थी, तो वो आपको कॉपी में जरूर बनाना है, कॉपी में जरूर मेंशन करना है। आप कॉपी बनाना जैसे आप हमेशा बनाते हो ना, नेक्स्ट क्लास में बनाई थी, वैसे आपको कॉपी बनानी है। उसके अंदर क्लास वर्क जो अभी मैं करा रही हूँ, जो भी वर्क करा रही हूँ ना, उसको एज इट इज, चाहे हार्ड वर्ड हो, चाहे टेबल हो, चाहे कोई भी डायग्राम हो, वो आपको बुक कॉपी के अंदर बनाना, उसमें एस डब्ल्यू भी, सी डब्ल्यू और एस डब्ल्यू दोनों मेंशन करना। जब एस डब्ल्यू वर्क दूंगी तो एस डब्ल्यू और सी डब्ल्यू वर्क दूंगी तो सी डब्ल्यू। ओके, अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैंने आपको वाइल्ड और पेट एनिमल जो हमारा टॉपिक रह गया था वो मैं कंप्लीट कराऊंगी। आपका चैप्टर फर्स्ट था एनिमल किंगडम, चैप्टर का नाम था एनिमल किंगडम, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उन वो अपना, जैसे हम ह्यूमन बीइंग राज करते हैं ऐसे एनिमल भी राज करते हैं, और एनिमल का एक अपना एक ग्रुप होता है, एक जाति होती है उसकी भी, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसमें एनिमल्स बर्ड्स सब आते हैं, तो वो जो सब मिलके बनता है वो होता है एनिमल किंगडम, जिनसे सब मिल एनिमल्स जो उसका जो बनता है ना, जैसे इसमें रेप्टाइल्स भी आ गए, इसमें एक्वाटिक एनिमल भी आ गए, इन सबको मिला के जो एनिमल्स की वो प्रजातियां जातियां बनती है वो एनिमल किंगडम के अंदर, किंगडम मतलब राज के अंदर ही आता है। अब उसमें डिफरेंट टाइप के आपको मैंने बता दिए थे, उसमें वाइल्ड और पेट एनिमल रह गए थे। पेट एनिमल वो है जिनको हम घर के अंदर रखते हैं और उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, हम उनसे हंसी मजाक मतलब उनके साथ खेलते हैं, बहुत सारा हमें इंजॉय मिलता है। और आपको पेट और डोमेस्टिक में भी मैंने डिफरेंस बताया था कि पेट में डिफरेंस क्या है, डोमेस्टिक में क्या डिफरेंस है। पेट वो होते हैं जिनके साथ हम अपने दैनिक जो हमारी डेली रूटीन होता है ना, उसको उसको हम अपने जो पेट एनिमल है उसके साथ एंजॉय करते हैं। और डोमेस्टिक वो होते हैं जिनसे हम मनी अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, जैसे लाइक कमल है, कैमिल है, हॉर्स है, और क्या कहते हैं काऊ है, बफेलो है, जिनसे हम मनी अर्न करते हैं। भाई काऊ का दूध भी आप मार्केट में बेचते हैं, जिनके काऊ ये बफेलो भैंस वगैरह हैं उन जिनके घर में आपने देखा होगा कि वो दूध बेचते हैं, तो उनसे मनी अर्न होती है ना। मैं अब कैमिल कार्ट है, कैमिल कार्ट पे आप कहीं राइडिंग करने गए, हॉर्स राइडिंग करी आपने, तो उनसे भी हम मनी अर्न करते हैं। तो डोमेस्टिक में से क्या करते हैं, मनी अर्न करते हैं, और पेट से हम सिर्फ फन करते हैं, उनके साथ मस्ती मजाक मतलब खेलते कूदते हैं, हम अपनी लाइफ को मैं इंजॉय करते हैं उनके साथ, इसलिए हम उनके जैसे रैबिट है, कैट है, कई लोग पालते हैं ना घर में, उनकी देख टेक केयर भी करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है पालतू पशु मतलब जो पेट एनिमल है उनको अपने घर में रखना। ओके, अब उनमें सेकंड था हमारा वाइल्ड एनिमल। अब हम वाइल्ड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। बेटा आप अपनी टॉपिक, आप अपने चैप्टर फर्स्ट के पेज नंबर देखो, इसमें बीच में लिखा है, इनको साइड में नहीं लिखा है, पेज नंबर 8 पर आएंगे। अब 8 पर हमारा है वाइल्ड एनिमल, उसको मैम रीड करेंगी, मैम के साथ साथ आप रीड करेंगे, क्योंकि ये जब आपको रीड हो जाएगा, जब भी आप इसके अच्छे से आंसर जो मैम आपको कराएंगी वो अच्छे से आपको समझ अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो बुक। सम लुक एट दिस, सम एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल। अब कुछ एनिमल होते हैं जो रहते हैं, लिव माने रहना, रहता है, रहते हैं कहाँ पर, फॉरेस्ट यानी जंगल में, और जो जंगल में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं, क्योंकि पेट एनिमल को तो हम जंगल में नहीं छोड़ सकते, उनको तो हम अपने घर में रखते हैं, घर के अराउंड अस में आसपास रहते हैं। ओके, वी ऑल्सो सी देम इन द जू। और जो वाइल्ड एनिमल है, आप देखो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो हमें जू में देखने को मिलते हैं, पर आपने देखा है कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं वो जू में ऐसे एक केज होता है, केज होता है उसके अंदर होते हैं, केज के अंदर होते हैं, सी ऐसी केज के अंदर होते हैं, केज के अंदर होते हैं ना, ऐसा केज बना होता है उसके अंदर होते हैं, केज के अंदर होते हैं वाइल्ड एनिमल। तो उनको जब हम उनको चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, उसको हम जू मतलब विजिट करने जाते हैं, तो क्या होता है वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते, हमारे ऊपर अटैक नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम वो खुले होंगे, अगर केज में नहीं रहेंगे, केज के अंदर नहीं रहेंगे, उनके अंदर लॉक में नहीं रहेंगे, तो वो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, फिर हम जू में नहीं जा सकते, विजिट करने नहीं जा सकते ना। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जू के अंदर देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डियर है, लायन है, पिकॉक है ना, और भी टाइगर है, लिप और क्या कहते हैं, बहुत और भी डिफरेंट बियर है, डियर, इस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो हमें हार्मफुल पहुंचाते हैं, इसलिए उनको केज के अंदर रखते हैं। ओके, गॉट इट।
और जबकि और या फिर हम कहाँ रखते हैं उनको, जंगल में रहते हैं वो, समझ में आ गए। अब वी ऑल्सो सी देम इन जू, और इस तरह हम उनको जू में भी देखते हैं, जैसे डियर, राइनासोर, जिराफ, है ना, और देखो ये आपको दिख रहे हैं लायन, टाइगर, बियर, ये सारे वाइल्ड एनिमल है, इसलिए इनको या तो जंगल में रहते हैं या फिर इनको चिड़ियाघर में रखते हैं तो उनको केज के अंदर रखते हैं। ओके, वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम, अब हम इनको होम में रखते हैं, कौन से एनिमल्स को, देखो बेटा दीज एनिमल आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, अब जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उनको हम घर में भी रख सकते, रखते ही है ना भाई, मैनी तो अर्न करते हैं उनसे, और उनको घर में रखते हैं, क्यों, क्योंकि घर में रखेंगे, हमारे हमारे यहाँ बफेलो है तो वो घर में ही तो रहेगी, और जब उसका दूध बेचते हैं तो उससे मनी अर्न होती है, तो जिनको हम घर में रखते हैं वो होते हैं डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे, ओके रिपीट अगेन, दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे, और वो हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, यूजफुल माने उपयोगी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, गॉट इट, जैसे लाइक हैन, शीप, गॉट, काउ। अब देखो हैन, हैन क्यों आया, आप सोचो कि हैन तो हमें दूध नहीं देती, हैन अंडा देती है, एग देती है ना, ऐसे एग, एग, ई डबल जी एग, तो एग से क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं एग को, और कई लोग आमलेट बना के खाते हैं, खाते हैं ना, कोई मोमडल्स भी होते हैं आजकल तो सभी खाते हैं आमलेट, तो एग से हमें क्या मिलता है, एग मिलता है, हेन से मिलता है ना, हेन से एग मिलता है जिससे हम मनी अर्न करते हैं ना मार्केट में। सीप, सीप से क्या होता है, वूल बनती है जिससे हम स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर देखा ना वो आप विंटर सीजन में स्वेटर पहनते हो, वो किससे मिलता है, सीप से वूल मिलता है। गॉट से, गॉट का दूध बेचते हैं बाजार में, मार्केट में, काउ का, इसका भी मिल्क आपको बेचते हो, करते हो ना, सेलिंग करते हो। ओके, गॉट इट। Some animal are kept at home for fun. अब कुछ एनिमल होते हैं जिनको हम सिर्फ अपने हंसी मजाक या उनके साथ मस्ती करने के लिए उनको घर में रखते हैं, वो होते हैं, वो कौन से एनिमल होते हैं, दे आर कॉल्ड पैट एनिमल, वो पैट एनिमल होते हैं। ये तीनों के डिफरेंस समझ में आ गए बेटा, डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम घर में तो रखते हैं पर उनसे हम मनी अर्न करते हैं, वो हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट वे में यूजफुल होते हैं। ओके, और जो पेट एनिमल होते हैं उनको हम घर में तो रखते हैं, कैप एट होम, बट फन के लिए, किसके लिए, हंसी मतलब उनके साथ मस्ती मजाक करने के लिए, या हमें हमारे एंजॉय के लिए कि हम उनकी देख रेख करें, टेक केयर करें और वो हमें अच्छे लगते हैं। ओके, साउंड्स, अब देखो लाइक पैरट, पैरट को रखते हैं, सब रखते हैं ना, केज के अंदर रखते हैं पैरट को भी, और उसके साथ बातें करते हैं, अच्छा लगता है बातें करना। रैबिट, रैबिट को भी कई लोग रखते हैं अपने घर में। कैट, कैट को भी रखते हैं। और डॉग, डॉग को तो आपने देखा ना, डॉग एक फेथफुल एनिमल है जो हमारे गार्ड का काम करता है, आपने कई घरों में देखा जो हमारे गार्ड का भी काम करता है ना, हम जब रात में सब स्लीपिंग करते हैं, सोते हैं, तो सबसे तो जो हमारा डॉग होता है ना, वो गेट के बाहर गेट के जो मतलब मेन उस पर बैठा रहता है, और वो कोई भी बाहर का आने वाला बाहर से पर्सन जो आता है उसको देखते ही वो अपने मतलब साउंड निकालने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, देखा है ना, तो इसलिए हम जो हमारे पेट एनिमल होते हैं इनको हम घर में रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको बेटा, तो डॉग है ना, ये भी हमारा एक फेथफुल एनिमल है। ओके, साउंड्स ऑफ एनिमल, अब साउंड मींस होता है आवाज। अब आपने एनिमल्स तो पढ़िए, क्रेप्टाइल्स भी होते हैं, वाइल्ड भी होते हैं, पेट भी होते हैं, ट्री पर रहने वाले एनिमल होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ लिए। अब हमें साउंड्स के बारे में पढ़ना है कि कौन से एनिमल से हमें कौन सा साउंड मिलता है, मतलब वो कौन सा साउंड निकालते हैं। लाइक जैसे मंकी है तो उसका साउंड क्या है, लायन है तो उसका साउंड क्या है। अब हम बोर्ड के ऊपर जाएंगे, बोर्ड पे मैंने एज इट इज टेबल बना के रखी है साउंड्स की, तो मैम आपको इनके साउंड्स रीड आउट करेगी, मतलब आपको पढ़ के बताएगी, और इसका आंसर भी आपके सामने ही करेंगी। तो आप एक कॉपी लेंगे और कॉपी के उसके ऊपर लिखते जाएंगे, आप अभी चाहे रफली कर लीजिए, फिर आप जो आप वर्क करोगे ना जिस कॉपी में, उसमें आपको नीट और क्लीन क्लीन करना है, आपको हेड राइटिंग बिल्कुल मैम की तरह लिखनी। अगर मैम ने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, लास्ट वाला या नेक्स्ट आपने मैम ने स्मॉल लिखा है तो आपको स्मॉल ही लिखना है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि हम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखते हैं, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट करना और बिल्कुल नीट एंड नीट क्लीन ये टेबल बनाना है। पहले मैंने आपको एनिमल्स की बनवाई थी वो, अभी साउंड्स की बनवाऊंगी वो, दोनों टेबल्स आपको कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में बनानी है और लिखनी है। ओके, अब मैम आपको इसके साथ साथ समझाएगी, टेबल के और बुक के साथ साथ। अपनी बुक खोल के रखेंगे, All the sounds of animal, इसकी हेडिंग समझ में आ गई, मतलब आवाजें, मतलब जो एनिमल है जानवरों की। All the animal and bird have their own sounds. अब जो different different bird और animal होते हैं, own sounds, यानी अपनी आवाजें निकालते हैं। Their sounds express their feeling, और वो अपनी आवाज से अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, या वो मतलब उनको खुशी हो रही है,
उनको डर लग रहा है, वो एंगर है, मतलब गुस्सा हो रहे हैं, वो कैसे आएंगे? वो ह्यूमन बींग्स तो नहीं है ना कि हमें गुस्सा आया तो हमने मम्मा से बात नहीं करी, हमने फेस टर्न कर लिया, या हमें बात करनी हमने बोल दिया मम्मा हमको आपसे बात नहीं करनी, अपने भाई बहन से बात नहीं करी तो हमने आप, या हमें कुछ चीज, हम किसी चीज से गुस्सा हुए तो हम गुस्सा होकर बैठ गए, ऐसे एनिमल तो नहीं कर सकते ना। अब उनके जो साउंड्स होते हैं ना, आवाज, उनसे वो बताते हैं कि उनको जॉय, वो अपनी लाइफ में या अपने जीवन में जॉय फील कर रहे हैं, एंग्री हो रहे हैं, एंगर हो रहे हैं, मतलब गुस्सा हो रहे हैं, या उनको और कुछ मतलब फीलिंग आ रही है, वो सब अपने किससे जाहिर करते हैं, अपनी फीलिंगों को सिर्फ साउंड से, आवाज से। अगर वो गुस्सा होंगे तो साउंड तेज तेज चिल्लाने लग जाते हैं, अगर नॉर्मल है तो धीरे धीरे प्यार से साउंड करते हैं, और अगर उनको किसी चीज पे मतलब जैसे उनके लाइक बेबी को किसी ने टच कर दिया तो तेज तेज चिल्लाने लग जाते हैं, क्विक 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 ऐसे करने लग जाते हैं, उनके जो साउंड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे काय का होता मूस 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 मूस, तो वो चिल्लाने लग जाती है, आपने देखा ना काऊ का साउंड, तो कि वो कैसे रमाती है जब उसके बेबी को कोई टच करता है, तो अब ऐसे वो अपनी फीलिंग वगैरह जो भी उनके साथ जो भी मूवमेंट होते हैं वो अपनी किससे करते हैं, अपने साउंड से। ओके, अब मैम आपको जो बोर्ड पे समझाएंगी आपको कि किसका क्या साउंड है, तो आप उस साउंड को कॉपी के अंदर बनाएंगे और उसको लर्न भी करेंगे बेटा, क्योंकि जब साउंड लर्न होंगे तभी तो आप एग्जाम में कुछ का कुछ भी साउंड का के बारे में क्लियर लिख पाओगे और साउंड सही साउंड लिख पाओगे कि किस एनिमल का कौन सा साउंड है। ओके, गॉट इट? चलिए लेट्स लेट ऑन द टॉपिक अ काउ, साउंड्स ऑफ एनिमल, एनिमल के साउंड यानी आवाज है, साउंड माने होते आवाज है, आपको क्लियर कर दो क्योंकि आप एक बार फिर आपको याद रहेगा कि साउंड माने होते आवाज है। ओके, अब अ काउ, काउ क्या करती है? मूज, काउ का साउंड क्या होता है? मूज, आपको बोल बोल के स्पीक एंड राइट तो आपको इसके मैम के साथ साथ ही आपको लर्न हो जाएगा काउ का साउंड क्या है। काउ साउंड इज मूज, तो मूज की स्पेलिंग MOOS, मूज, क्या बोलते हैं? काउ साउंड इज मूज, काउ कैसा साउंड करती है, मुंह से कैसा साउंड निकालती है, आवाज कैसे निकालती है, मूज। ओके, गॉट इट? काउ साउंड, अ काउ साउंड मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि साउंड यहाँ लिखा ऑलरेडी। ओके, तो अ काउ, काउ साउंड निकालती है मूज, कैसा करती है? मूज। ओके, अ लॉयन, अ लॉयन का साउंड क्या होता है? रॉर, लॉयन का साउंड क्या होता है? साउंड मीन्स सबको क्लियर हो गया होगा, साउंड मीन्स आवाज होता है। अ लॉयन, लॉयन मीन्स, लॉयन माने शेर, अब शेर कैसी आवाज निकालता है? रॉर, ROARS, रॉर्स। ओके, लॉयन का साउंड क्या है? लॉयन माने शेर, ये इसके मींस अब आपको पता ही होंगे, काउ मीन्स गाय होता है, लाइन मीन्स शेर होता है, क्रो मीन्स कौवा होता है, मंकी मीन्स बंदर होता है, गॉट मीन्स बकरी होता है, एलिफेंट मीन्स हाथी होता है, कैट मीन्स बिल्ली होती है, डॉग मीन्स कुत्ता होता है, डोंकी मीन्स गधा होता है, शीप मीन्स भेड़ होती है, अभी एक्सप्लेन किया था भेड़ जो बूल देती है हमें, हॉर्स घोड़ा, ये सब, ये तो आपको एनिमल्स तो पता ही होंगे बेटा, है ना, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब इनके साउंड देख, काऊ का साउंड है मूज, लॉयन का साउंड है रॉर। अब मैंने आपको बताया बेटा अभी कि काऊ का साउंड क्या होता है, अ काऊ मूज करती है, क्या साउंड क्या निकालती है? मूज। अ लायन, लायन साउंड क्या करता है बेटा? रॉर। ओके, गॉट इट? अ क्रो, क्रो माने कौआ, आपने देखा है ना जब आपकी छत की मुंडेर पर या जो बाउंड्री बनी होती है उसके ऊपर आके जो कौआ बैठ जाता है तो आवाज निकालता है, तो उसकी जो साउंड होता है उसकी आवाज को क्या बोलते हैं हम? कॉज, CAWS, कॉज। ओके, गॉट इट? समझ में आया? ये मैम के साथ साथ ही आप एक वन को आप टू टाइम रिपीट करेंगे तो आपको जनरली मतलब याद ही हो जाएगा, लर्न हो ही जाएगा। ओके, अब मंकी, अब मंकी का साउंड होता है चैटर, मंकी जो आवाज निकालता है ना, अब उसको हम अपनी वैसी भाषा में तो सुन मतलब जो सुनते हैं ना तो उसको जो साउंड होता है ना उसको इंग्लिश में चैटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? चैटर, CHATERS, चैटर्स, क्या बोलते हैं बेटा? मंकी साउंड चैटर्स, मंकी का साउंड क्या है? चैटर्स, काउ मूस, लायन रॉर, क्रो कॉस, मंकी चैटर, समझ में आ रहा है बेटा? मैम के साथ साथ ही आपको लर्न करो। गॉट, गॉट क्या करती है? ब्लीट, BLEATS, ब्लीट, गॉट का साउंड क्या है? ब्लीट, गॉट साउंड कैसे, आवाज कैसे निकालती है? ब्लीट करती है। ओके, उसको उसकी आवाज को हम क्या बोलते हैं? ब्लीट। अब एलिफेंट, एलिफेंट करता है ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट, एलिफेंट का साउंड क्या है? ट्रम्पेट, एलिफेंट साउंड इज ट्रम्पेट, TRUMPETS, ट्रम्पेट्स। ओके, अब कैट, कैट क्या करती है? कैट की साउंड होता है म्यूज, कैट साउंड इज म्यूज, कैट जो मुंह से आवाज निकालती है उसको बोलते हैं म्यूज, MEWS, म्यूज। ओके, कैट का साउंड म्यूज। अब डॉग, डॉग करता है बार्क्स,
जो डॉग की जो आवाज निकलती है, जो साउंड होता है उसका, होता बार्क्स, BARKS, बार्क्स। अब डंकी क्या करता है? डंकी का साउंड होता है बेटा ब्रे, BRAY, ब्रे, BRAY, ब्रे, डंकी का साउंड ब्रे। अ कैट म्यूज, कैट करती म्यूज, और डॉग, डॉग करता है बार, ओके। और डंकी, डंकी करता है ब्रेज, ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट, शीप करती है ब्लीट, BLEATS, ब्लीट्स, ओके। शीप क्या करती है? ब्लीड्स। नेक्स्ट हॉर्स, हॉर्स करता है नाइज, NEIGHS, ओके। हॉर्स क्या करता है? नाइज, ओके। अब एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अकाओ मूज, अकाओ, साउंड मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी अपने ऊपर लिखा हुआ है। अकाओ मूज, अ लायन रॉर, अ क्रो कॉज, अ मंकी चैटर, अ गॉट ब्लीट, अ एलिफेंट, सॉरी एन एलिफेंट। अब एन यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि ई क्या है हमारा? वोवल है। जब भी हम कोई वोवल लिखते हैं उससे पहले एन लगाते हैं, ओके। आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, उसमें ये आपको एक्सप्लेन हुआ होगा। एन एलिफेंट, ट्रम्पेट्स, एलिफेंट का साउंड है ट्रम्पेट्स। अ कैट म्यूज, अ डॉग बार्क, अ डंकी ब्रे, अ शीप ब्लीट, अ हॉर्स नाइस, ओके, गॉट इट। अब इसमें टू और रह गए, वो और मैं लिखवा देती हूँ। अ बर्ड, क्योंकि अपने चैप्टर में बर्ड का भी नाम पढ़ा है, तो अ बर्ड, बर्ड कैसे साउंड निकालती है? अभी BIRD, बर्ड, बर्ड्स माने पक्षी होता है ना, आपने पढ़े होंगे, अभी अपने चैप्टर में भी पढ़ा है। अ बर्ड, अ कॉक, अब कॉक का भी क्यों आया? क्योंकि अभी आपने हेन के बारे में भी पढ़ा था ना। अ कॉक, अब कॉक कैसे साउंड निकालती है देखो, बर्ड करती है। अ बर्ड चिप, CHCHIRPS, चिप्स, ओके। बर्ड का साउंड क्या होता है? चिरिप्स, ठीक है। आप अ कॉक, कॉक का होता है क्रोज, CROWS, क्रोज, गॉट इट। आपको समझ में आ गया? ये सारे बर्ड्स के क्या है? साउंड्स है, एनिमल्स के साउंड्स है। जितने हमने एनिमल्स इस चैप्टर में पढ़े हैं, और जो हमारे वाइल्ड और पेट एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, जो जंगल और जो मतलब हमारे घर में रहते हैं, उन सबकी आवाजों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैसे कैसे वो अपने मन की जो फीलिंग्स होती है, जॉय होते हैं, वो एंगर होते हैं, या उन्हें किसी बात पे अच्छा नहीं लग रहा, उनकी जो मन की फीलिंग है वो किससे निकालते हैं? वो साउंड से, ओके। अब ऑल एनिमल नीड लव, अफेक्शन एंड केयर। और सारे एनिमल्स को किस चीज की जरूरत होती है? प्यार की। जैसे हमने पैरट पाला अपने घर में, सपोज करो पैरट माने तोता, तो उसको हम, उसकी केयर करते हैं ना, उसको हम खाना भी देते हैं, उसके लिए पानी भी भर के रखते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं ना, एनिमल्स के वेटनरी डॉक्टर होते हैं जानवरों के, एनिमल्स के, तो उनको भी बुलाते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, तो उनकी टेक केयर भी तो हम ही करते हैं। तो जैसे इंसान, ह्यूमन बींग्स को आपके हेल्प की, आपकी नीड की, किसी भी चीज के लिए आपको, आप उनको जरूरत होती है, नीड होती है, ऐसे ही जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनको भी हमें टेक केयर करना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। अब हमारा जो टॉपिक है ना, आपके फर्स्ट टॉपिक एनिमल किंगडम, ये आपका कम्प्लीट हो गया। अब इसके हार्ड वर्ड्स कराऊंगी। इससे पहले मैंने ये आपको दो टेबल कराई थी, एक पहले कराया था एनिमल किंगडम कौन कौन से, तो वो चार, वो एनिमल और ये साउंड ऑफ, ये दो टेबल आपको कॉपी के अंदर करनी है, डेट डाल के, क्लास वर्क डाल के, सुंदर सुंदर चैप्टर को आपको 2 टाइम रिविजन करना है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जब भी हमें याद होगा ना बेटा, हम रीड नहीं करेंगे तो हमें ये सारी जो चीजें पढ़ी हुई है वो फिर अनयूजलेस हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी ना भाई, हम पढ़ेंगे ही नहीं, मैम ने पढ़ा दिया, तो आपको भी तो उसको रीड करना है ना। जब हमें पता लगेगा कि हमें कहाँ मिस्टेक हो रही है, फिर हम मैम का वापस वीडियो देखेंगे, जहाँ हमें मिस्टेक लगेगी तो हम उस चीज को वापस पढ़ेंगे कि मैम ने यहाँ पर इस शब्द को या इस वर्ड को ऐसे बताया। तो आपको 2 टाइम रिविजन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए लुक एट दिस, पेज नंबर है आपका 10, आपके बीच में देख रहा है, बिटवीन देयर में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, थिंक एंड आंसर वर्बली। अब ये इसमें, अब आप बड़ी क्लास में हो गए, अब स्मॉल किड्स भी नहीं हो कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवा दिए, अब आप कैसे अपने लाइफ को ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी अपने एक एक स्टेज को पार करते हो। पहले फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, अब आप थर्ड में आ गए हो, पास आउट होके आ गए हो ना, तो अब आपका थोड़ा माइंड टू माइंड का लेवल है, वो धीरे धीरे आपको आप बढ़ाना है, मतलब उसको और ज्यादा आगे करना है कि हम, मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा उससे पहले हमें किसी भी चीज को हमारे माइंड में क्लिक हो जानी थी। तो अब आपका जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे ही है कि थिंक करो, सोचो और फटाफट से आंसर दो। बर्बली माने जो मुंह से फटाफट देते हैं ना, जैसे मैम ने कोई क्वेश्चन किया और आपने तुरंत बता दिया, वो जब होगा जब हमें चैप्टर अच्छे से पढ़ने में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लुक एट दिस,
व्हाट आर द, सुनना ध्यान से, लिसन केयरफुली और मैम के साथ पढ़ो, व्हाट आर द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस कह रहा है वो, डिफरेंट नहीं कह रहा, डिफरेंसेस बिटवीन बर्ड एंड एनिमल्स। अब वो ये कह रहा है कि जो डिफरेंसेस है ना बर्ड और एनिमल्स के अंदर, उनके बीच में, बिटवीन माने होते बीच में, ये तो आपने पढ़ी होंगी, मैथ में भी पढ़ा होगा बिटवीन माने बीच में। तो बर्ड यानी पक्षी जो उड़ते हैं, एनिमल जो लैंड के ऊपर वॉक करते हैं या अपने पैरों के थ्रू चलते हैं, उन उन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस होता है उनके अंदर। अब वो बर्बली आंसर देना है, पर मैं इनके फिर भी आंसर आपको लिखवा देती हूँ जिससे आपको याद कर लोगे, तो आप मैम आपसे क्वेश्चन करेंगी क्लास के अंदर, तो आप उसको वर्बली फटाफट से मैम को क्वेश्चन, जब आपका ओरल टेस्ट होता है तब आप फटाफट से मैम को क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ओके, तो मैं आपको एक रफ कॉपी ले लीजिए, उसमें अभी आप उतारेंगे, फिर आप कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे। तो मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ आपको, आप मैम के साथ करिए। क्वेश्चन नंबर 1, आप देखो बेटा मैंने आपको चैप्टर करा दिया, चैप्टर की जो टेबल्स हैं दो, साउंड्स ऑफ एनिमल, एनिमल किंगडम, ये दोनों टेबल करनी है आपको, वापस रिपीट कर रही है मैम आपको। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 1, थिंक एंड अबाउट बर्बली, थिंक एंड आंसर बर्बली, आपको सोचना है और बर्बली आंसर। अब वो का आंसर आप दे पाओगे कैसे बेटा, जब आपने चैप्टर अच्छे से रीड किया हुआ है। ओके, तो मैम फिर भी आपको आंसर लिखवा रही है, आप अपनी बुक और कॉपी खोल के रखें, बुक में क्वेश्चन देखें और मैं क्वेश्चन के आंसर बोर्ड पर लिखवा रही हूँ, आप बोर्ड से उसको कॉपी में लिखेंगे और उसको लर्न भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको बर्बली मैम को ओरल में आपको मैम को आंसर देना है ना, तो लर्न तो होनी चाहिए। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बर्ड एंड एनिमल। अभी अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा ना कि वो डिफरेंसेस पूछ रहा है किसमें, बर्ड और एनिमल के बीच में कि क्या डिफरेंस होते हैं। हमने चैप्टर पढ़ा है कि बर्ड में और एनिमल में क्या डिफरेंस होते हैं, तो हम उनका आंसर बोर्ड पे करेंगे। ओके, लेट्स, बर्ड, बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड फ्लाई करती है, आपने देखा है ना बर्ड फ्लाई करती है, बर्ड जमीन पे तो चलती नहीं है, बर्ड कैन फ्लाई, डिफरेंस समझ में आ रहा है, एनिमल नहीं चलता है। देखो एनिमल कैन नॉट फ्लाई, एनिमल फ्लाई नहीं करता है, बर्ड फ्लाई करती है कैन फ्लाई और एनिमल कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। एक तो डिफरेंस ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सेकंड, बर्ड हैव फेदर ऑन देयर बॉडी, बर्ड के है ना, बर्ड उसके जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर, आपने देखा है कल बताया था मैंने आपको कि ये जो विंग्स, इसके जो विंग्स होते हैं इधर ऐसे उनके ऊपर फेदर्स बने होते हैं, छोटे 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 फेदर्स होते हैं ना, तो बर्ड जो है ना उसके विंग्स पर बर्ड हैव फेदर ऑन देयर बॉडी, बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है ना, जो बॉडी होती है बर्ड की, जैसे लाइक योर बर्ड, तो उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर फेदर होते हैं, बट एनिमल डू नॉट हैव फेदर ऑन देयर बॉडी, और जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर फेदर नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, जैसे डियर, बियर है, ऐसे एक दो एनिमल्स ही होते हैं जिनके बॉडी पे फेदर, बाकी उनके फेदर नहीं होते, उनके जो बाल हेयर होते हैं ना, हेयर होते हैं वो फेदर नहीं होते। फेदर किसके होते हैं, सिर्फ बर्ड के होते हैं, फेदर किनको बोलते हैं, जो मखमली मुलायम मुलायम होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, ये ध्यान रखना आप, तो ये आप याद करोगे जब आपको याद रहेगा कि बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड फ्लाई करती है, बट एनिमल कैन नॉट फ्लाई, एनिमल फ्लाई नहीं करते। ओके, गॉट इट। सेकंड, बर्ड हैव फेदर ऑन देयर बॉडी एंड एनिमल डू नॉट हैव ऑन देयर फेदर ऑन देयर बॉडी। ओके, गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बुक में देखो बेटा, अपनी बुक में, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट में का क्या मींस है। आपने अब चैप्टर पढ़ा था तब उसमें देखा था ना कि इंसेक्ट हम किनको बोलते हैं, उसके उसमें उसके में उसके अंदर क्या विशेषता है, उसमें क्या क्वालिटीज होती है कि वो एनिमल से और बर्ड से डिफरेंट होते हैं। तो इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के आगे मैंने एन क्यों लगाया, क्योंकि आई क्या है, वोवल है। एन इंसेक्ट इज स्मॉल एनिमल, इंसेक्ट छोटा सा एनिमल होता है। अब आंट देखिए, देखो आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था इंसेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखो मच्छर, जैसे मच्छर छोटा सा होता है ना, मॉस्किटो, उसको हम इंग्लिश में मॉस्किटो बोलते हैं। आंट, आंट छोटी सी होती है, स्मॉल एनिमल हो गया ना। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी छोटी सी ही होती है ना, बटरफ्लाई आपने देखा होगा, ऐसी बटरफ्लाई होती है जिसके यहाँ पर वो बने होते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे से उसके वो होते हैं, ऐसे बटरफ्लाई होती है, आपने देखा है ना बटरफ्लाई, सॉरी बटरफ्लाई के ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर बैठती बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई भी कैसा है एनिमल, इसमें कैसा इंसेक्ट है, स्मॉल इंसेक्ट है, कौन बटरफ्लाई, ये कौन, किसकी पिक्चर बताई मैंने आपको, बटरफ्लाई की। तो इंसेक्ट
कैसा होता है, ये स्मॉल होता है, छोटा होता है ना। देयर आर मेनी इंसेक्ट अराउंड, हमारे चारों तरफ छोटे छोटे इंसेक्ट देखे ना, छोटी चींटी देखी है, मॉस्किटो देखा है, बटरफ्लाई देखी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जैसे हाउस फ्लाई है, लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड भी तो छोटा सा है ना। देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई थी मैम ने जब आपको चैप्टर रीड कराया था, लेडी बर्ड है, ये भी छोटी सी इंसेक्ट होती है। देखो लुक एट दिस कॉकरोच तो आपने सबने देखे, आपके घर की किचन में भी होते हैं, आपके बाथरूम में भी आ जाते हैं, तो वो छोटे से इंसेक्ट होते हैं ओके। और दे हैव 6 लेग, और उनके 6 लेग होते हैं, 6 पैर होते हैं उनके ओके। एनिमल के कितने होते हैं? 4। बर्ड के कितने होते हैं? 2। बर्ड के 2 लेग होते हैं और इंसेक्ट के 6 लेग होते हैं। ये डिफरेंस ये बेटा याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब आप करोगे ना तो आपका बर्ड का ही है, तो इसलिए ये लेग का भी ध्यान रखना कि बर्ड के 2 लेग होते हैं, एनिमल्स के 4 लेग होते हैं और इंसेक्ट के कितने होते हैं? 6 लेग होते हैं इंसेक्ट के ओके। गॉट इट, समझ में आ गया बेटा। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपका द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप अपनी बुक के ऊपर आइए, लेट्स ऑन द बुक द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको बोलते हैं MCQs ओके। रीड द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर, आपको इनके पढ़ना है, आपको रीड करना है, उसके बाद जो सही आंसर है उस पर टिक करना है। फिशेस ब्रीथ विद, अब फिशेस किससे ब्रीथ करती है? कल आपको जब मैम ने एक्वाटिक एनिमल बताए थे, फिश किस में आती है? एक्वाटिक एनिमल में ओके। तो मैम ने कल आपको बताया था कि फिशेज है ना वो किससे ब्रीथ करती है, सांस किससे लेती है? गिल से। अब देखो ऑप्शन, पहला है लंग्स से तो ह्यूमन विंग लेता है, सेकंड है गिल्स, थर्ड है नोज से तो सांस ले ही नहीं सकते, और फिंस होते हैं उसके, पर फिंस से क्या करती है वो, सिर्फ तैरने का काम करती है फिंस से। और ब्रीथिंग वो किस, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ब्रीथ किससे करते हैं? तो गिल्स। तो फर्स्ट का क्या होगा बेटा आंसर? गिल्स। गिल्स की स्पेलिंग लिखेंगे उसके अंदर, जी टिक करेंगे, GILLS गिल्स। गिल्स को आपको टिक करना है क्योंकि वो टिक पूछ रहा है ना मल्टीपल चॉइस में एक सही आंसर को, GILLS गिल्स। फर्स्ट क्या है? गिल्स। तो फिशेस क्या करती है? गिल्स से ब्रीथ करती है। सेकंड, स्मॉल एनिमल विच हैज 6 लेग, अभी आपने पढ़ा था कि 6 लेग होते हैं वो किन एनिमल को बोलते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं बताओ? टाइगर लायन होते हैं क्या, उनको एनिमल्स ये वाले एनिमल्स बोलते हैं कि वाइल्ड पेट एनिमल? नो, वो कौन से इंसेक्ट होते हैं, वो एनिमल की कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इंसेक्ट्स में। किस में आते हैं? इंसेक्ट, INSECTS। तो टिक किस पे लगाएंगे? इंसेक्ट्स ओके। आपके इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, देखो आई फर्स्ट है इंसेक्ट, सेकंड है बर्ड तो बर्ड के कितने लेग होते हैं? 2, मैम ने अभी एक्सप्लेन किया है। फिशेस तो क्या करती है, उसके तो लेग नहीं होते, वो तो सिर्फ अपनी ब्रीथिंग करती है और स्विम करती है फिन से। और पैट्स के 4 होते हैं, आप मैम ने आपको भी एक्सप्लेन किया। थर्ड, द एनिमल विच क्रोल आर कॉल्ड, अब मैम ने आपको बताया था कि जो क्रोल करती है ना, क्रोल जो ऐसे क्रोल करते हैं वो कौन से एनिमल होती है? स्नेक, बताया था लिजार्ड ओके। तो उनको क्या बोलते हैं? उनको लिजार्ड स्नेक्स वगैरह को रेप्टाइल्स, कौन से एनिमल्स बोलते हैं? रेप्टाइल्स। कौन सी कैटेगरी के एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं वो? रेप्टाइल्स। आपके ऑप्शन में देखो बेटा, पहला दिया वाइल्ड तो रेप्टाइल करते ही नहीं है क्रोल, ठीक है, डोमेस्टिक वो भी नहीं करते हैं, वो घर में रहते हैं, मनियन करते हैं उनसे हम। रेप्टाइल्स, बर्ड भी नहीं करती, बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड तो फ्लाई करती है, जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था ऊपर, बर्ड कैन फ्लाई। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, जो क्रॉल करते हैं? रेप्टाइल्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? रेप्टाइल्स, REP बोल के लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी, REPTILES रेप्टाइल्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा? रेप्टाइल्स, जो रैंक के चलते हैं उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। अब 4 है हमारा, We cannot keep wild animal at। अब हमने आपको बताया था, हमने अभी रीड भी अच्छे से कर लिया कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको हम घर में तो रख ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत डिफरेंट तरीके से हार्म पहुंचा देंगे, हम हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं हो सकते हैं। उन सिर्फ हम डोमेस्टिक और पेट एनिमल को ही हम घर के अंदर रखते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल उनको हम कहाँ रखते हैं? फॉरेस्ट में। तो वी कैन नॉट कीप, हम नहीं रख सकते वाइल्ड एनिमल को कहाँ? होम। तो आंसर क्या होगा बेटा? होम, HOME होम, हम घर में नहीं रख सकते पेट एनिमल, वो वाइल्ड एनिमल को, सिर्फ पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल को घर में, कीप इन अवर होम, हम अपने घर में सिर्फ पेट और डोमेस्टिक एनिमल को रख सकते हैं, ना कि वाइल्ड एनिमल को। वाइल्ड एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट एंड लिव इन द जू ओके। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मैं ये आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, मैम के साथ साथ ही चलेंगे अपन,
आप क्वेश्चन ब्लैक अपनी बुक से कॉपी के अंदर लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ आंसर आंसर लिखवाऊंगी, ओके बेटा? क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगी तो आपको हैबिट नहीं बन पाएगी क्वेश्चन लिखने की, ठीक है? तो जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो आपको एक एक चीज भी लर्न हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन को अपने बोल बोल के लिखेंगे, मैम सिर्फ आपको आंसर लिखाएगी। और जब आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, ये सारा कुछ आपको कॉपी के अंदर लिखना है। जब हम क्वेश्चन ए कर रहे हैं तो ए को ही लिखेंगे, बी कर रहे हैं तो बी को ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमने क्वेश्चन नंबर बी किया है या क्वेश्चन नंबर सी किया है। ओके, गॉट इट? क्वेश्चन नंबर थ्री, थर्ड वाला है, इसका क्वेश्चन आंसर नंबर ए लिख रही है मैम। ओके, आंसर नंबर वन, क्वेश्चन रीड करेगी मैम, आप मैम के साथ रीड करो पहले। गिव टू डिफरेंसेस, देखो इधर, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल। अभी देखो हमने बर्ड और एनिमल में पढ़ा था, पर वो बर्बली थे, सिर्फ मुंह से बोलने वाले, इसलिए मैंने लिखवा दिया, क्योंकि वो तो आपको सिर्फ मुंह से आवाज ओरल ओरल टेस्ट में देना है या ओरल मैम को बर्बली सुनाना है। अब ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं और लर्न तो अच्छे से ही करने हैं बेटा, ही है ना? जब आप लर्न करोगे एग्जाम कॉपी में, जब तो आप लिख पाओगे। तो गिव टू डिफरेंस, टू डिफरेंस कह रहा है वो, दो डिफरेंस बताने हैं किसमें, वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम वाइल्ड एनिमल, कौन सा लिखेंगे बेटा, वाइल्ड, डब्ल्यू आई एल डी, वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल बोलते हैं हम जंगली जानवर। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? एनिमल्स क्यों लगाया बेटा हमने, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं, एक एनिमल एक तो नहीं होता ना बेटा, बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट क्या होगा, दे कैन नॉट, दे कैन नॉट, अभी मैम ने आपको पढ़ाया था, दे कैन नॉट कीप एट होम। हम उनको घर में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना बेटा, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, हमें हार्म पहुंचा देंगे, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे। अगर हम उनको घर में रखेंगे वाइल्ड एनिमल को, तो हमें बीटिंग कर देंगे, हमें काट लेंगे, हमें और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, वो हमारे घर में छोटे भाई बहनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दे कैन नॉट कीप एट होम, उनको हम घर में नहीं रख सकते, किसको, वाइल्ड एनिमल को। ओके, सेकंड, दे कैन, बोल के लिखो बेटा, दे कैन मींस होता है सकता, ये सकता। ओके, दे कैन हार्मफुल, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल टू अस, अस माने हमारे लिए या हमको, है ना, मतलब वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, कौन, वाइल्ड एनिमल। पहला तो होते हैं उनको हम घर में नहीं रख सकते, और सेकंड है दे कैन हार्मफुल टू अस, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, कौन, वाइल्ड एनिमल। अब हम पढ़ेंगे क्या, कौन से पढ़ेंगे, डोमेस्टिक एनिमल। सेकंड कौन सा बेटा हमारा, डोमेस्टिक एनिमल। आपको ऐसे मैम की तरह पहले ये टेबल बनानी है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड डाल के लिखना है। ओके, डोमेस्टिक, डी ओ एम ई एस टी आई सी, डोमेस्टिक एनिमल, ए एन आई एम ए एल एस, एनिमल्स। फर्स्ट था हमारा वाइल्ड और सेकंड है हमारा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक माने जिनको हम पालते हैं मनी अर्न करने के लिए। अब इनको तो हम घर में रख सकते हैं, हमने पढ़ा था ना कि इनको तो हम घर में रख सकते हैं, तो वी कैन कीप देम। फर्स्ट कौन सा होगा, वी कैन कीप देम, मैम के साथ साथ बेटा रीड करेंगे और लिखेंगे, राइट भी करेंगे, दे कैन कीप देम इन अवर होम, हम इनको अपने घर में रख सकते हैं, रख सकते हैं ना भाई, इनसे तो मनी अर्न करते हैं हम, अवर होम, हम घर में रखेंगे और इनसे, इनका जैसे बफेलो है लाइक, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनसे मनी अर्न कर सकते हैं दूध बेचकर। ओके, काऊ है, गॉट इट? सेकंड, दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, और वे हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होते हैं, क्यों, डोमेस्टिक एनिमल हार्मफुल होते हैं, नो, वो हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ नहीं, जैसे बफेलो है, काऊ है, उसको हम जहाँ उसके प्लेस पर जहाँ पर वो उसको रखते हैं वहां रखेंगे, वो हमें नहीं हार्मफुल पहुंचाएंगे, क्यों पहुंचाएंगे, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल नहीं है, वो डोमेस्टिक एनिमल। ओके, सेकंड क्या है हमारा बेटा, दे आर नॉट हार्मफुल, दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, एच ए आर एम, हार्मफुल टू अस, गॉट इट बेटा? समझ में आ गया कि एक बार मैम अगर एक्सप्लेन कर देती है, वाइल्ड एनिमल दे कैन नॉट कीप एट होम, हम उनको घर में नहीं रख सकते हैं, दे कैन हार्मफुल टू अस, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। डोमेस्टिक एनिमल, वी कैन कीप देम इन अवर होम, उनको हम घर में रख सकते हैं,
दे आर नॉट, वे हमारे लिए नहीं होते हार्मफुल टू अस, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। दो डिफरेंस समझ में आ गए क्योंकि उसने टू ही डिफरेंस पूछे हैं, डिफरेंसेस समझ में आ गए बेटा। सेकंड क्वेश्चन, गिव एनी टू कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड, वो पूछ रहा है कि गिव एनी टू, कोई टू विशेषता बतानी है उनके बारे की, बारे में बताना है कि बर्ड में क्या विशेषता होती है, क्या उनके गुण होते हैं, मतलब विशेषता को गुण भी बोलते हैं। ओके फर्स्ट, अब मैम आंसर लिख रही है डायरेक्ट, आपको कॉपी में क्वेश्चन तो आपको लिखना है बेटा। ओके मैम तो सिर्फ आपका आंसर लिखवा रही है, बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन दिए हो आप करना। फर्स्ट यहाँ पे बर्ड लिख लेंगे, बर्ड बर्ड की भी पूछ रहा है ना, तो पहले बर्ड की हेडिंग डाल लेंगे और उसके बाद हम उसकी बताएंगे तो उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या करेक्ट वो उसकी वो है विशेषता है। दे कैन फ्लाई, वो क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, कौन बर्ड, बर्ड क्या कर सकती है बेटा, फ्लाई कर सकती है। देखो बर्ड के बारे में पूछ रहा है ना, बर्ड क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। और सेकंड क्या कर सकती है, और बर्ड दे हैव, और बर्ड में क्या विशेषता होती है, दे हैव फेदर, दे हैव फेदर्स ऑन द बॉडी। उसकी क्या विशेषता है, उसमें उसने टू एग्जांपल पूछे है ना, टू उसकी विशेषताओं के बारे में पूछा कि बर्ड के अंदर क्या टू विशेषता है, तो फर्स्ट तो है दे कैन फ्लाई, वो फ्लाई कर सकती है, वो नीचे जमीन पर लैंड पर नहीं चल सकती है, उनके अंदर विशेषता है ना कि वो ग्रेट हाइट तक, मतलब बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है, कुछ होती है बर्ड्स वो कम हाइट तक उड़ती है, तो ये उनके अंदर विशेषताएं होती है कि वो फ्लाई कर सकती है। सेकंड है दे हैव फेदर, उनकी बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं, पंख होते हैं, मखमली जो फेदर होते हैं ना, वो पंख के जो ऊपर उनकी बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं, वो फेदर्स देखे ना अपने, मखमली होते हैं वो, ये टू उनके गुण है, इनके बर्ड्स के पूछे इसलिए। थर्ड, विच एनिमल आर नोन, वापस पढ़ेंगे, विच एनिमल आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल। ओके गॉट इट, समझ में आया, Which animal are known as domestic animal? अब वो पूछा domestic animal कौन से होते हैं? अभी मैम ने आपको पढ़ाया था ना, domestic वो होते हैं जिनको हम घर में रखते हैं, जो कहाँ रहते हैं, keep, जिनको हम कहाँ रखते हैं, keep at home, okay? और उनको हम जंगल में या फॉरेस्ट में नहीं रखते हैं, क्योंकि उनसे हम मनी अर्न करते हैं, इसलिए हम उनको घर में रखते हैं, और इसीलिए हम उनको domestic animal बोलते हैं। ओके तो मैम आंसर लिखवा रही है, आप मैम के साथ साथ आंसर लिखिए। ओके आंसर नंबर थर्ड, These क्यों बोला कि बेटा बहुत सारे एनिमल्स है ना, और उन एनिमल्स के बारे में पूछ रहे हैं ना, बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं जो जिन एनिमल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दीज एनिमल विच वी कीप इन अवर होम, अभी मैम एक्सप्लेन करेगी और इसको आप मैम के साथ बोल बोल के करिए। ओके बेटा, आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, DOMESTIC डोमेस्टिक एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स, और स्टॉप लगाना है आपको सबको बेटा। आप देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने क्या पूछा कि डोमेस्टिक एनिमल, Which animal are known as domestic? किन animals को हम domestic animal के नाम से जानते हैं या animal कहते हैं, जो भी मतलब उसका means मतलब जानना या कहना। okay? तो these animal, वो animals which we keep, जिनको कि हम रखते हैं, which we keep, जिनको कि हम रखते हैं our home, अपने घर में, are called, उनको बोलते हैं domestic animal। रखते हैं ना हम wild animal को तो forest में रखते हैं या keep in the zoo। okay? पेट और डोमेस्टिक एनिमल को हम घर के अंदर रखते हैं। गॉट इट, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू फिशेस ब्रीथ, अभी हमने टिक वाले क्वेश्चन में भी किया था कि फिश होती है ना एक्वेटिक एनिमल, फिश किस में आती है, एक्वेटिक एनिमल में, और वो किससे ब्रीथ करती है, अपनी गिल्स से, गिल्स होते हैं ना यहाँ पर, और उसके गिल्स के नीचे छोटे छोटे और होल होते हैं, उसके जो गिल्स होते हैं उसके नीचे छोटे छोटे ऐसे होल होते हैं, उनको फिन्स बोलते हैं। फिन्स के थ्रू वो क्या करती है, अपने आपको मतलब पानी के अंदर स्विम करने के लिए जो गिल्स होते हैं उनसे उनको क्या मिलती है, ब्रीथ, गिल्स से ब्रीथ करते हैं, और फिन्स के अकॉर्डिंग मतलब फिन्स आगे बढ़ने में उनको सहायता करते हैं स्विम करने में, किसको, फिश को। समझ में आ गया बेटा, गॉट इट। क्वेश्चन है हाउ डू फिशेस ब्रीथ,
ब्रीथ कैसे करती है फिशेस? आंसर नंबर फोर। क्वेश्चन आपको कॉपी से बुक से करना है बेटा, आंसर मैम लिखवा रही है। फिशेस FSHIES फिशेस ब्रीथ BREATHE ब्रीथ विथ गिल्स, किससे करती है बेटा वो? ब्रीथ गिल्स से, GILLS गिल्स। ओके गॉट इट, ये तो आपको समझ ही आ गया। और स्विम करने के लिए क्या क्या उसको नीड होती है, किस चीज की नीड होती है? फिन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, आंसर नंबर फाइव कराऊंगी, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। डिफाइन द रेप्टाइल्स, अभी मैम ने आपको जब चैप्टर कराया उसमें रेप्टाइल्स भी पढ़ाए थे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पढ़ाए थे। सबसे पहले आपको एनिमल्स, फिर बर्ड, फिर इंसेक्ट, फिर रेप्टाइल्स, फिर एक्वाटिक एनिमल। तो अब उसमें वो क्या पूछ रहा है कि रेप्टाइल्स किसे बोलते हैं, उनको डिफाइन करना है हमें कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज होती है रेप्टाइल्स की। ओके आपकी बुक है, उस बुक के अंदर आपको चैप्टर पढ़ाया था जब मैंने आपको रेप्टाइल्स का यहाँ पढ़ाया भी था बेटा। देखो रेप्टाइल्स की जो रेड कलर से आपकी हेडलाइन बनी हुई है, इन सबको ध्यान से देखना, इनको रीड करना, तो आपको पता लग जाएगा रेप्टाइल्स कहाँ लिखा है। वैसे पेज नंबर है 7, इसमें लिखा रेप्टाइल्स द एनिमल विच क्रोल, वो एनिमल जो क्रोल करते हैं ऐसे रेंगते हैं ऑन द लैंड, लैंड के ऊपर, एज नोन एज रेप्टाइल, उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जिसमें अभी मैंने बताया था लाइक स्नेक, लिजार्ड। ओके स्नेक होता है ना, स्नेक वो रेंग के चलते हैं। लिजार्ड है, आपने देखा होगा आपके उस पे दीवार पे, वॉल पे होती है, रूम की वॉल पे, क्लासरूम की वॉल पे, कहीं पर भी हो सकती रहे। ओके तो रेप्टाइल्स किसको बोलते हैं जो क्रोल करके चलते हैं, उन एनिमल्स को रेप्टाइल्स बोलते हैं। आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर फाइव द एनिमल्स, द ANIMALS एनिमल्स विच क्रोल, CRAWL ऑन द लैंड, भाई लैंड के ऊपर ही तो चलेंगे वो, पानी में तो कर ही नहीं पाएंगे वो अपने आप को क्रॉल। लैंड आर नोन KNOWN, अगर आपको ऐसा के नहीं आया बनाना तो आप स्मॉल वाला के भी ऐसे बना सकते हो। ओके बेटा ये वाला ना आए ना तो आप छोटा वाला बना देना, एस रेप्टाइल्स। गॉट इट? अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेप्टाइल्स के कितने लेग होते हैं। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बर्ड है उसके 2 लेग होते हैं, एनिमल्स होते हैं उसके 4 होते हैं, इंसेक्ट होते हैं उसके कितने होते हैं? 6 होते हैं, दे हैव 4 लेग्स। और रेप्टाइल्स के कितने होते हैं? 4 लेग्स होते हैं। पर रेप्टाइल्स में स्नेक होता है, उसके कोई स्नेक हैज नो लेग्स, स्नेक के लेग्स नहीं होते हैं। ये मैंने चैप्टर क्लियर किया था जब आपको बताया था ना बेटा, फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार वापस। बर्ड के 2 लेग होते हैं, एनिमल्स के 4 होते हैं, इंसेक्ट होते हैं उनके 6 होते हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके उनके भी कितने हैं? 4 लेग्स, 4 लेग्स होते हैं। ओके ध्यान रखना, दे हैव 4 लेग्स, दे हैव 4 लेग्स। अब देखो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 5, ये आपके 5 क्वेश्चन थे बुक के अंदर। आप बुक उठाएंगे उसमें आपको पता लगेगी 5 क्वेश्चन थे, ये मैम ने आपको कंप्लीट कर दिए। आप चाहो तो इसके एग्जांपल भी लिख सकते हो। ओके आप इसके बाद है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 है नेम एनी 2, अब इनके नाम लिखने हैं। किन किन के नाम लिखने हैं? इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल। यो हमने अभी बुक में पढ़े हुए, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पढ़ा भी है कि कौन कौन से एनिमल होते हैं जो रेप्टाइल्स करते हैं, कौन से वाटर एनिमल वाटर में रहते हैं, कौन से एक्वाटिक एनिमल है, कौन से एनिमल होते हैं जो पेट एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो सिर्फ हम उनको 2-2 उनके नाम लिखते हैं। ओके बेटा तो आप इसको मैं करा देती हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको चैप्टर के आ ही गया है तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको फिलअप्स है, आपको फिल करना है चैप्टर को पढ़ना है और चैप्टर के बाद इसको पढ़ के फिल करना है। इसमें मैचअप है, मैचअप कैसे करना है? बर्ड बर्ड क्या करती है, क्या साउंड निकालती है, एलिफेंट क्या साउंड निकालता है, साउंड बताए थे ना बेटा अभी, तो बस उस साउंड से आपको पढ़ के और इससे मैच करने है। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको कॉपी के अंदर अपने आप करना है। ओके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको पहले होमवर्क एक्सप्लेन करूंगी, आपके सही हो तो बहुत वेल डन बेटा, और अगर नहीं हो तो आप मैम से करेक्शन कर लीजिए। गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ, नेम एनी 2 इसको करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 4 आप क्वेश्चन की एडिट डाल लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, जिससे आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही साथ आपको लर्न भी हो जाएगा। गॉट इट?
फर्स्ट आंसर ही लिख रही हूँ. ओके आंसर लिख रही हूँ बेटा. क्वेश्चन आप कॉपी से लिखेंगे, उसकी जो हेडिंग है ना वो आप कॉपी से लिखेंगे. फर्स्ट है इंसेक्ट, INSECTS. अब आपको इनके टू इंसेक्ट के नाम लिखने, क्योंकि नाम ही तो पूछ रहा है ना कौन कौन से नाम इंसेक्ट है जिनके नाम लिखना है. तो फर्स्ट है बटरफ्लाई, आपकी बुक में भी दे रखा है BUTTER बटर FLY फ्लाई. अब बताओ इंसेक्ट के कितने कितने लैग होते हैं, आपको भी बताया ना 6 लैग होते हैं इंसेक्ट के. ये आपको ध्यान रखना है, रिमेम्बर रखना है इस पॉइंट को. ओके इंसेक्ट बटरफ्लाई. और सेकेंड इंसेक्ट कौन सा लिखेंगे, मॉस्किटो, MOSQUITO मॉस्किटो. ओके अब सेकेंड है रेप्टाइल्स, सेकेंड हेडिंग क्या है आपकी बेटा, रेप्टाइल्स REPTILES रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स कौन से होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं. अभी मैंने आपको बताया था जैसे जिसमें आ गया लिजार्ड है, स्नेक है, स्नेक होता है ना सांप. ओके तो स्नेक SNAKE स्नेक, क्या बोलते हैं इसको, स्नेक. और लिजार्ड LIZARD लिजार्ड बोलते छिपकली को, ठीक है. स्नेक बोलते सांप को. थर्ड है आपका वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल तो सबको पता है बेटा, पता है ना. यस मैम, वाइल्ड एनिमल वो होते हैं जिन जो जंगल में रहते हैं और जिनके कितने लैग होते हैं, 4 लैग होते हैं. कितने लैग होते हैं बेटा, 4. इंसेक्ट के कितने होते हैं, 6. रेप्टाइल्स के 4, एनिमल्स के वाइल्ड के 4. अब वाइल्ड एनिमल्स में से लायन LION लायन, और कौन क्या लिख सकते हो, टाइगर लिख सकते हो, बियर लिखते हो तो बियर लिख लीजिए. ओके क्योंकि बियर भी कैसा होता है, वाइल्ड एनिमल. नेक्स्ट है पेट एनिमल, 4 PET पेट ANIMALS एनिमल्स. पेट एनिमल के कितने लैग होते हैं बेटा, हाउ मेनी लैग्स, 4 लैग. मैम कितने लैग हुए, मैम ने पूछा कितने लैग हुए तो आपने क्या जवाब दिया, 4 लैग. अब पेट एनिमल कौन से होते हैं, इनके नाम बताने हैं. कैट, कैट तो आपने देखी है, आप घर में पालते हो ना. डॉग, जिसको मैम ने बताया था फेथफुल एनिमल है जो हमारे गार्ड का भी काम करता है, डॉग DOG डॉग. क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया. ओके बेटा अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों आपको कॉपी के अंदर होमवर्क में करने हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके होमवर्क को एक्सप्लेन करूंगी. जब आपके क्वेश्चन अगर सही हो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है. आप गुड स्टूडेंट हो, आपने मैम की हर चीज को लिसनिंग अच्छे से किया है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके और अगर आपको फिर भी नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, आप सही कर ले. बट आपको कॉपी के अंदर ही सारी चीजें करनी है. ओके वॉट इट, समझ में आ गया. थैंक यू.